तो राम राम जी सारे, कैसे उम्मीद कर की वजह से ये लोग भोग रहे थे, मैं स्टार्ट कर रहा था वीडियो तो ये आगे बीच में अपने महादेव जी। एनीवेज स्पोर्ट्स पीपल, कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है किस टॉपिक पर रहने वाली है, मैं जो है ट्रैफिक पुलिस से बात करूंगा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से लाइव आपके सामने, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कलर कोडेड स्टिकर जरूरी है या नहीं है, आईएनडी नंबर प्लेट का क्या झोलमाल है, मतलब एक हवा बना हुआ है। वे हैं दिल्ली नहीं जा रहे हैं, चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं, ऐसी इस जगह नहीं जा रहे हैं ये सोच के कि उनकी गाड़ी को पकड़ने लेंगे, उनके पास कलर कोडेड स्टिकर है या नहीं है ये। तो भाई सारी चीज़ें, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँ, मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखिएगा, गिव अवे आने वाला है किसका पता चल जाएगा बड़ी जल्दी। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मैं ट्रैफिक पुलिस वालों से लाइव बात करने वाला हूँ, तो आपके भी शायद डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो भाई बिना टाइम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं मिलाता हूँ भाई ट्रैफिक पुलिस को फोन, और उसके बाद तो गाइस मैं जो है कॉल करने ट्राई कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस को, बेसिकली ट्रैफिक पुलिस को। तो लेट्स सी कितनी देर में उठाते हैं, अभी तो जो है बिजी आ रहा है। तो भाई अभी तो जो अपनी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस, उनको फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका बिजी आ रहा है। तो लेट्स वेट, एक बार बिजी से नंबर हट जाता है उसके बाद वी विल सी, दो तीन बार जो है कॉल करता रहता हूँ मैं। मिल गया, तो बात करते हैं। नमस्ते सर, मैं हर्ष बोल रहा हूँ भिवानी से। सर एक्चुअल में मेरी हरियाणा की गाड़ी है, HR 16 नंबर है, और मेरे को दिल्ली आना था। तो मेरे को ये पूछना था कि जो कलर कोडेड स्टिकर होता है वो लगाना पड़ेगा मेरे को गाड़ी पे? नहीं, हरियाणा में लागू नहीं हुआ अभी, आ सकता हूँ। और जो सर INDI की नंबर प्लेट है वो लगानी पड़ेगी, INDI वाली नंबर प्लेट लगानी पड़ेगी, मतलब कलर कोडेड स्टिकर की जरूरत नहीं है। चल ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ जी, सुन लिया होगा ना, आपके सामने ट्रैफिक पुलिस को फोन मिलाया, ट्रैफिक पुलिस से पूछा, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस से, मतलब लगा लो दिल्ली में चलान सबसे ज्यादा होते हैं, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस से खुद से पूछा कि भाई ये जो अपने कलर कोडेड स्टिकर हैं वो अलाउड है नहीं। उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा हरियाणा से। तो बोलते हरियाणा में अभी तक मतलब जो अपना जरूरी है यानी कि नेसेसरी है, लीगल है, वो नहीं करा गया है। मतलब कलर कोडेड स्टिकर अभी हरियाणा में ज़रूरी नहीं करे गए हैं, जिसका मतलब है कि आपको नहीं लगवाने की ज़रूरत। आप दिल्ली में आओ, आपकी गाड़ी HR 16 है, आपकी गाड़ी HR का कोई भी नंबर है, जहाँ पे अलाउड नहीं है, जहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं है, तो दिल्ली में भी आपका कोई चलान नहीं काटेगा। इनकेस कोई पुलिस वाला आपको रोकता है, भाई धड़ल्ले से वीडियो दिखा सकते हो मेरी, बता सकते हो कि भाई मैं इस जगह से आ रहा हूँ और वहाँ पे हमारे कलर कोडेड स्टिकर नहीं लगे। हाँ, मेरे दिल्ली के सभी भाइयों को लगाने पड़ेंगे कलर कोडेड स्टिकर, क्योंकि दिल्ली में लीगल कर दिया है। दिल्ली के आप कहीं के भी सिटी में हो जहाँ पे लीगलाइज्ड है, कहीं भी स्टेट में जहाँ लीगलाइज्ड है, जहाँ पे लगाना जरूरी है वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। समझ आई बात? अब मैं बात करता हूँ कि भाई कलर कोडेड स्टिकर है क्या, ये चीज़ झमेला है क्या। तो मेरे हाथ में ये रहा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है वो झमेला जिसपे पूरी दुनिया बावली हो रखी है कि क्या है क्या है। तो भाई देखो, मेरी गाड़ी को मैंने मंगवाया नहीं था, मेरी गाड़ी के साथ ये आया, INDI नंबर के नंबर प्लेट के साथ। ये दिख रहा होगा नंबर, इसको उल्टा करके दिखाता हूँ, तो ये दिख रहा होगा आपको नंबर HR 16X8284, बेसिकली ये अपनी गाड़ी का नंबर है भाई, और ये रजिस्ट्रेशन डेट है, यहाँ से सारा होगा। तो भाई ये कुछ ऐसे करके लग जाएगा, क्योंकि अभी हरियाणा में अलाउ नहीं करा है, मतलब हरियाणा में अभी ज़रूरी नहीं करा है कि आपको ब्लू और डीजल, ब्लू फॉर पेट्रोल, येलो फॉर डीजल, वो सब लगाना है। तो मेरे को सिंपल व्हाइट दिया, ये मेरी मर्जी है मैं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। कलर कोडेड स्टिकर क्या होगा, इसके पीछे एक ब्लू पट्टी लग जाएगी, तो अपनी जो गाड़ी लीगलाइज बन जाएगी दिल्ली जाने के लिए भी, हर जगह जाने के लिए। तो ये मेरे को आपको दिखाने इसलिए जरूरत था कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आराम से धड़ल्ले से भाई अपनी गाड़ी को लेके जाइए, किसी से पुलिस वाले से डरने की जरूरत नहीं है। कितनी सारी वीडियोस आई, कितनी सारी वीडियोस आई, उन सब में डर रखा था भाई HSRP कलर कोडेड स्टिकर बहुत जरूरी हो गए, लगा लो नहीं तो 5500 का चलान है, 10000 का चलान है, फलाना ढिमकाना। अच्छा, अब बात आई कि भाई INDI जो नंबर प्लेट्स है ना, वो ऑलमोस्ट हर स्टेट में लीगल कर दिए हैं। ये खड़ी अपनी बलिनो, अपने हल्की तो एक्स की तो देख ही ली होंगी वीडियोस, बलिनो पे भी भाई मैंने मेरा चलान कटा था, पहले मैंने वीडियो बनाई थी, पूरी की पूरी एक वीडियो है, वो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो पूरी की पूरी वीडियो इसमें मैंने बनाई थी कि मेरा चलान 2000 का कटा है, एक बार कई बार 500 रुपये दे के मैंने रिश्वत दे के छूटा हूँ भाई। तो भाई INDI नंबर प्लेट्स जरूरी है या नहीं? तो भाई 101% INDI नंबर प्लेट्स लगनी जरूरी हैं आपकी गाड़ी में। INDI नंबर प्लेट्स आप चाहे कहीं से भी आ रहे हो, दिल्ली में आपका चलान कट जाएगा। सेम गोज विद INDI नंबर प्लेट। मेरे को अभी एक्चुअल में देखो भाई, ऐसी कोई स्टेट पता नहीं है जहाँ पे INDI नंबर प्लेट्स अभी तक लागू नहीं हुई हैं, बट मोस्ट ऑफ में होगी। हाँ, अगर आप ऐसी स्टेट से आते हैं जहाँ पे INDI नंबर प्लेट अभी लागू नहीं हुई है, या फिर उसकी खुद की RTO नहीं बना के दे रही है, तो भाई आप किसी भी स्टेट में आ सकते हैं, दिल्ली में हर जगह आ सकते हैं, आपका चलान नहीं कटेगा। बट हाँ, अगर आपकी RTO बना के दे रही है आपको INDI नंबर प्लेट्स, तो भाई आपको जो है क्या प्लेट्स हैं वो लगवा के जानी पड़ेगी, नहीं तो चलान 101% आपका घर पर आएगा, बन के आएगा, पुलिस वाले आपको रास्ते में रोकेंगे। ये मेरा मेन आपको डाउट्स क्लियर करने का था कि मैंने पुलिस वालों से आपको पूछवा दिया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड पुलिस वालों ने भाई मेरे को पर्सनली खुद रोका है अपनी नंबर प्लेट्स के लिए, इसलिए मैं लेके आया हूँ चलान वाली वीडियो, तो आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, मे बी नॉट, मैंने सारा आपको बता दिया।
अच्छा, अब दूसरी चीज बोलता हूँ भाई, INDI नंबर प्लेट का क्या सीन है? अभी आंटी गिर गई थी, उनको उठाने गया था मैं, बिकॉज़ वो गिर गई थी। एनीवेज, INDI नंबर प्लेट का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो, अब जो है लोकल INDI नंबर प्लेट्स आने लगी हैं 300 रुपये, ओनली 300 रुपीज़ में जो है आप लोकल INDI नंबर प्लेट्स अपनी गाड़ी की बनवा सकते हैं, ठीक है। एकदम डिट्टो लगेंगी, और उनका फ़ायदा भी ये है कि जो 300 रुपये वाली होती हैं भाई, उनमें बेसिकली आपका जो वो कैमरेज होते हैं उसमें आपका चलान नहीं आता, चमकती नहीं है। बट अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्या करा है भाई, मतलब मेन क्या हुआ है RTO डिपार्टमेंट की तरफ से, कि हमारी जो गाड़ी होती है उसमें यहाँ पे एक लेज़र एनग्रेव नंबर आता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से में लेज़र एनग्रेव नंबर आता है। ये नंबर आगे का अलग होता है, डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मैं छुपा के दिखा दूँ, देख ही लो वैसे। ये देखो 30 है ना, 530, और सेम गोज विद फ्रंट साइड। तो मैं फ्रंट का बताऊं आपको एक बार, तो फ्रंट का देख सकते हो आप, फ्रंट का नंबर है, ये डिफरेंट है। तो भाई ये दोनों लेजर नंबर डिफरेंट आते हैं अपने। ये लेजर नंबर जब तक आप नहीं डालोगे तो आपकी गाड़ी का कलर कोडेड स्टिकर नहीं आएगा। तो भाई मतलब ट्रैफिक पुलिस भी पूरा तरीका अपना रही है कि भाई हाँ, हम लोग अच्छे से रूल फॉलो करें, बट हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के देखो भाई, मेरे को आपको पूरा समझाने का ये सीन था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस एक INDI नंबर प्लेट्स का ध्यान रखिए कि INDI नंबर प्लेट्स आपको लगवानी ज़रूरी है। कलर कोडेड स्टीकर दिल्ली, और मैं एक बार क्लियर कर दूंगा कहाँ कहाँ पर लगवानी ज़रूरी है, उनके अलावा आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। धड़ल्ले से अपनी गाड़ी चलाइए। हाँ, ये नहीं हुआ तो घर पर चलान आ सकता है, और चलान का अमाउंट 5500 रुपये है भाई, 5500 रुपये। तो क्यों बेफालतू में वेस्ट करें? तो मैं उम्मीद करता हूँ। सो गाइज, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे प्लीज़ हवा पे विश्वास मत करो कि भाई कलर कोडेड स्टिकर लगाने पड़ेंगे, अभी कंपलसरी हो गया, ज़रूरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बातों में आके एकदम से मतलब हम लोग घर वालों को परेशान कर देते हैं, खुद भी परेशान हो जाते हैं ये सोच के कि भाई अब मेरे को दिल्ली जाना है, या मेरे को ऐसी कोई स्टेट में जाना है जहाँ पे कलर कोडेड स्टिकर लगाने मतलब नेसेसरी हो गए, ज़रूरी हो गए हैं, तो लगवाने पड़ेंगे। तो भाई मत करो विश्वास इन चीज़ों पर, आपके सामने ट्रैफिक पुलिस से पूछ लिया है। आपकी स्टेट में अगर कलर कोडेड स्टिकर नहीं लागू किए हैं तो 1% भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कलर कोडेड स्टिकर है वो लगाने पड़ेंगे। वापस बताता हूँ भाई, आपके स्टेट में रहते हैं वहाँ पे देख लीजिए। चेक करने का सबसे आसान तरीका बताऊँ भाई, BookMyHSRP पे जाओ, BookMyHSRP.com जाओ, वहाँ पे आपको 2-3 स्टेट दिखा देगा दिल्ली विल्ली, कहाँ से जो है कहाँ कहाँ पे अलाउ कर रखे, कहाँ कहाँ पे लीगल कर रखे, कहाँ कहाँ पे ज़रूरी कर रखे। इनकेस अगर आपकी सिटी वहाँ पे नहीं है, आपकी स्टेट वहाँ पे नहीं है, तो भाई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कलर कोडेड जो स्टिकर हैं वो लगवाने पड़ेंगे अपनी गाड़ी में, ठीक है। बेशक दिल्ली जाओ, कहीं जाओ, धड़ल्ले से घूम के आपको लगवाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका डर जो है मैं थोड़ा बहुत खत्म कर पाया हूँ, और डर ना रहे हो। अभी मेरी विवेक से भी बात हुई थी, एंड विवेक भी बोल रहा था कि भाई मैं जो है मतलब अप्लाई कर रहा हूँ फॉर कलर कोडेड स्टिकर। तो मैंने उसे बताया भाई डर मत, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। एनीवेज भाई लोग, आज की वीडियो कैसे लगी उम्मीद करता हूँ पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दिल्ली में तेज़ होते, बाय, धन्यवाद। और तो और अपने जो RTO वाले हैं वो इतने बावले हो चुके हैं कि भाई कोई मंगवाता है किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट और वो भेज देते हैं बुलेरो की नंबर प्लेट। कल ही एक ऐसा कमेंट आया था मेरे वीडियो पे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, तो भाई बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो है, तो भाई वो बोलते हैं कि मैंने 30 दिन पहले HSRP ऑर्डर करी थी और आज बुलेरो की येलो नंबर प्लेट आ गई है, तो क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई कंटेंट बन जाएगा, वीडियो शेयर कर दो। एनीवेज भाई, आराम से सबको चलने दो, और इतना हवो की ज़रूरत नहीं है, एंड बस।